हेलो फ्रेंड्स, हिंदू किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम मछली का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो चलिए हम लोग मछली का रेसिपी बनाते हैं। ये ताज़ा रोहू मछली है दोस्तों, ये वजन में है आधा किलो तीन को मिला करके। ये देखो, इसका हम बीच में फाड़ दिए हैं इसका। अब इसको हम बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिए हैं। अब इसमें हम साइड में कट लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। सामने सामने करके हम इसको कट लगा देंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड से कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम तीनों मछली को हम कट लगा लेंगे। सभी मछली को हमने कट लगा लिए हैं, ये देखिए इस तरह से कट लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से कट लगाना होगा। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं। मछली में थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालना होता है दोस्तों। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे हम। नमक और हल्दी को ये देखिए इस तरह से ये अंदर में भी हम मिला देंगे। इस तरीके से हम सारे मछली को मिला लेंगे हल्दी और नमक के साथ, अंदर तक इसका फ्लेवर चल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। सभी मछली को हम इस तरह से मिला लिए हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको मिलाना होगा। और इस तरह से तैयार करके इसको हम फ्राई करेंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि मछली का अंदर में जो फ्लेवर पहुंच जाए और नमक और हल्दी दोनों अंदर चला जाए। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों तेल डाल देंगे दोस्तों। मछली को फ्राई करने के लिए हम इसी में सरसों तेल डाल दिए। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब भी मछली फ्राई करें दोस्तों, कढ़ाई को बढ़िया से गर्म करना होता है और तेल को भी बढ़िया से गर्म करना होगा, तभी आपका मछली वहाँ चिपकेगा नहीं तो कढ़ाई में आपका चिपक जाएगा। तो हम इसको बढ़िया से गर्म होने के लिए देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, ये देखिए धुआं धुआं आ गया है दोस्तों। चारों तरफ हम तेल को फैला देते हैं। इसी में मछली को छोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से हम छोड़ देंगे मछली को। और इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तीनों मछली को हमने छोड़ दिए हैं। मछली एक साइड फ्राई हो गया है दोस्तों, अब इसको हम धीरे धीरे करके पलट देंगे। ये देखिए चिपक गया है, अब धीरे धीरे इसको हम पलट देंगे। इसको धीरे धीरे पलटना होगा दोस्तों। ये देखिए हमने पलट दिए, ये देखिए पलट दिए हमने सभी मछली को पलट दिए धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों एक साइड फ्राई हो गया है। दोस्तों इसी तरीके से फ्राई करना होता है छोटी मछली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को। ये गोटा गोटा मछली है दोस्तों, इसको बीच में कट लगाए हैं। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। इसमें मसाला डालेंगे और आपका पोस्ता भी डालेंगे। ये रोहू मछली है और इसी तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, एकदम मस्त लगेगा, गजब लगेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाएंगे आप। और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम मछली को फ्राई कर रहे हैं। मछली फ्राई हो गया है दोस्तों, अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मछली को हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब वही तेल में दोस्तों थोड़ा सा हम तेल और डाल देंगे और इसी में हम सारे मसाले को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, बस इतने ही डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा फ़ौरन डाल देंगे। इसमें दो से तीन सूखी मिर्च को डाल देंगे। सूखी मिर्च और फ़ौरन मेरा चटक गया है। अब इसमें हम टमाटर को छोटा छोटा काटे हैं और इसी में हम डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि टमाटर डालने के बाद थोड़ा नमक डाल देंगे, टमाटर मेरा अच्छे से गल जाएगा। अब इसको चलाते हुए इसको हम बढ़िया से सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है दोस्तों, अब इसमें हम प्याज का पेस्ट बना करके लिए हैं। इसमें दो बड़े साइज का प्याज है, इसको हम एकदम महीन महीन बना लिए हैं इसको। अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट भी हम डाल देंगे और लहसुन का भी पेस्ट हम डाल देंगे। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना करके हमने डाल दिए।
और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला करके बढ़िया से एक साथ फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल नई तरीके से बन रहा है दोस्तों, इस तरीके से एक बार बना कर ज़रूर खा के देखिएगा, मछली बहुत टेस्ट लगेगा। कोई अगर मेहमान घर में आ जाता हो तो इस तरीके से एक बार बना कर ज़रूर खिलाइएगा, मेहमान पूछेंगे कि क्या किस तरीके से बनाए हैं ये मछली का करी। अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। प्याज अदरक लहसुन फ्राई हो गया है दोस्तों, अब इसमें हम छोटे चम्मच में आधे एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च पाउडर एक चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, थोड़ा सा नमक डालेंगे। मछली फ्राई किए थे उस टाइम भी हमने डाले थे, मसाला फ्राई किए थे उस टाइम भी हम डाले थे, थोड़ा सा और हम डाल देते हैं, इसमें करी बनेगा इसलिए डाल दिए। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद हम सभी मसाले को एक साथ मिला करके फ्राई करेंगे, तेल अलग ना हो जाए उतना देर तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। मसाला को इस तरह बढ़िया से फ्राई करना होता है दोस्तों, जब तक तेल इसका अलग ना हो जाए उतना देर तक इसको फ्राई करना होगा। और मछली के साथ जब भी आप ये बनाएं मसाला फ्राई करें तो इसमें सरसों डालना मस्त होता है, लेकिन आज हम सरसों नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, आज हम सरसों नहीं डाल रहे हैं और इसको हम बढ़िया से एक ट्रेडिशनल तरीके से हम बना करके आप लोगों को दिखाएंगे कि पुरानी पद्धति में हम बना रहे हैं आज। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर बना के खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मसाला फ्राई हो गया है दोस्तों, तेल अलग हो गया है ये देख पा रहे हैं आप, अब इसको थोड़ा सा हम चला देते हैं। ये देखिए एकदम मसाला फ्राई हो गया है मेरा, अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। करी में उबाल आ गया है दोस्तों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डालेंगे जो कि इसका टेस्ट ही चेंज कर देगा, ये पोस्ता जो है दोस्तों। पोस्ता आप लोग क्या बोलते हैं इसको, खसखस बोलते हैं चाहे पोस्ता बोलते होंगे, और पोस्ता को हम महीन महीन पेस्ट बना लिए हैं और पानी में घोर लिए हैं, अब इसी में हम इसको डाल देंगे। ये डालने से दोस्तों एकदम गजब का बनेगा, रोहू मछली और पोस्ता के साथ कभी बना करके खा के देखिएगा, एकदम मस्त लगेगा दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, ये देखिए कलर इसका देख पा रहे हैं किस तरह से कलर आ गया है, अब ये रेडी है। अब ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें मछली को छोड़ देंगे, एक एक करके हम सभी मछली को छोड़ देंगे इसी में, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा चला देंगे इस तरीके से, मिला देंगे करी के साथ, फ्लेवर अंदर तक चला जाए इसका। अब इसको हम इस तरह से पलट अल्टी पल्टी करके हम इसको मिला देंगे, ये देखिए दोस्तों ये एकदम बनकर मछली करी बनकर तैयार है, एकदम मस्त लगेगा खाने में। मछली करी बनकर तैयार है दोस्तों, अब हम इसको उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारे मछली को एक प्लेट में निकाल लिए हैं दोस्तों, हमने इसको प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसको हम खाएंगे और खा करके आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह मेरा ये रोहू मछली का पोस्ता के साथ बना है किस तरह से। यह हाय 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 हाय, क्या टेस्टी बना है दोस्तों, इसको हम खा कर देखते हैं एक बार। मस्त बना है दोस्तों, इस तरीके से एक बार बना कर ज़रूर खाइएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कांदा भी है, कांदा को भी खा लेते हैं एक बार। मछली के साथ कांदा खाइएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्ट लगता है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, तब तक हम मछली को खाकर ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।